केंद्र व राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी से नाराज किसानों ने रोहतक लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठा होकर विश्वासघात दिवस मनाया। सैकड़ों की संख्या में आज किसान इकट्ठा हुए और लघु सचिवालय परिसर में जहां सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की, वहीं सरकार से किसानों के साथ किए गए सभी वादों को पूरा करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। इस दौरान किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार ने किसानों का आंदोलन समाप्त कराए जाने के दौरान जो वायदे किए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसानों के अनुसार न तो सरकार ने अभी तक MSP गारंटी कानून के लिए जो कमेटी गठित की थी उसका गठन किया है और न ही किसानों पर दर्ज सभी मामले अभी तक वापस लिए हैं। किसानों का नेतृत्व कर रहे प्रीत सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुना किए जाने की बात कही थी, लेकिन किसानों की आय दोगुना नहीं हुई बल्कि उनकी लागत जरूर दोगुना हो गई है। किसानों ने यह भी कहा कि वह हर हाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाएंगे और MSP गारंटी कानून बनवाकर ही दम लेंगे। किसानों ने बताया कि अभी भी बहुत किसानों पर हरियाणा में मामले दर्ज हैं। यह जरूर है कि सरकार ने कुछ मामलों को वापस ले लिया है, लेकिन सभी मामले वापस नहीं लिए हैं। उन्हें सरकार जल्द से जल्द वापस ले। किसानों के अनुसार आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को उचित मुआवजा राशि दी जाए। सुनो बात को,
हमेशा जब ये रिपोर्ट जाती है फील्ड से सरकार के पास, उस रिपोर्ट को आकलन करके सरकार आदेश करती है स्पेशल गिरदावरी करवानी है कि नहीं। ये सभी जिलों से जाएगी और उसके बाद सरकार के ऑर्डर आएंगे। ये रिपोर्ट हमेशा फील्ड से ही जाती है, हमसे पहले भी ऐसे ही होता था, अब भी ऐसा ही होगा। दूसरा है आपका जो पिछला खराबा था उसका मुआवजा नहीं आया, ये हम FCR साहब से बात कर लेंगे, जो रिपोर्ट भेजी थी उसके अनुसार मुआवजा आ जाए। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसको कमेटी बना के उसका दोबारा वो करवा देंगे, आपका नुमाइंदा बीच में ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम आपका नुमाइंदा बीच में ले लेंगे और लगातार मारी गई। हाँ हाँ नहीं नहीं सर, नुमाइंदा तो हो जाएगा, उसका समाधान या वे आउट क्या, क्योंकि फसल तो जाली अगली आली, अब नुकसान अब जैसे ठोस बता रहा हूँ मैं आपको, सामान के बैठे हैं, गड़ोठी के बैठे हैं, मदीने के बैठे हैं, गढ़वा के बैठे हैं, अब ये काम यार तुम नहीं बताओ ऐसे होएगा, भाई हम आ गया आपने कह दी और मैंने साइन कर दिया, ऐसे तो होता नहीं, नहीं होता ना, तो उसका एक तरीका है सरकारी काम का, वो मैंने बता दिया। उसमें लोगों को कई बार भरोसा नहीं होता, भरोसा करने के लिए क्या होता है, लोगों का नुमाइंदा बीच में हो जाए ताकि तसल्ली रहे भाई हाँ ठीक काम हो रहा है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी जो आम रीत वादे नहीं पूरे करे, एक फसला के मुआवजे की मांग को ले है, पहली फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा नहीं दिया, या खराब हो रही है इसका मुआवजा नहीं दिया, खाली जमीन रह रही है हजारा एकड़ किसाना की, उसकी भी स्पेशल गिरदावरी नहीं करवा रहे। आज किसाना की मांग या स्पेशल गिरदावरी करवा के हमने पाछली फसला का मुआवजा भी चाहिए, इस फसल का भी मुआवजा चाहिए। 15 महीने हो गए झूठे वादे कर रहे हैं सर, 2 महीने का वादा करे हो गए, इन्हें कुछ भी नहीं कर लिया है, ना मुआवजा दिया, ना बेची में गारंटी दी इन्हें, ना वो कमेटी बनाई, सारी मांग मांगा दिया गया इस नमत पे, कुछ दिया है नहीं, बालक मारे रोड पर बैठे, किसान मारे रोड पर बैठे, ना दिया के है कड़ा, इसका विकास इस सरकार का विकास है, यो रोडा पे खेड़ दान लग रहा, बालक का बालक पे बट्टा मार दिए, देखा रोडा पे बैठा दिए, स्कूल बंद, शिक्षा बंद, पढ़ाई बंद, ठेके खुले, बर्बादी की ओर कर दिया देश, खत्म कर दिया देश, तो इसने और क्या करा, मरना मरना, हम तो जमा बर्बाद कर दिया, जमा सारे नाला मार दिया, क्या हमारा की जिंदगी बर्बाद कर रखे, स्कूल बंद करवा की, अरे हमारे बालक स्कूल खुलने चाहिए, कोई ऑर्डर फोन किसी का भी होता नहीं, लेन काउंट भी फोन दवा दिए, फोन ना ऑर्डर बालक के खेलेंगे, कार्टून देखेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, नहीं होती पढ़ाई, ऑर्डर बालक तो खेलने लग जाए, कार्टून देखने लग जाए, 800 रुपये का तारत करवाना पड़ा, गरीब आदमी कितना ले आओगा, 800 रुपये हुए अपना है, और ये दोनों का जब बीमारी है कोरोना है, ये पुलिस आड़ा का ध्यान करके दे, किसके मुंह पर पास है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ये किसानों का है, किसानों को हुआ है ये बीमारी, उनका कौन अंत, जो इतने बड़े बड़े बैठे हैं मंत्री बड़े बैठे, उनका बीमारी कौन अंतिम है, ये कितने भी जाकर ना धरना धर का बैठ जा है, ये करा हजा कर ना उड़ कौन अंत बीमारी, किसाना ना मारोगे देखने। 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों पे मोर मार कर रद्द करके ने और हमें आश्वासन दिया था कि MSP पे कमेटी बना देंगे, 15 जनवरी मांगी थी और उससे पहले शहीद परिवार के 5-5 लाख मुआवजा भी दे देंगे और जितने केस लगे हुए हैं उनको भी रद्द कर देंगे। 15 जनवरी जाली संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग भी होली, उनमें उन्होंने सरकार ने ना तो कोई कमेटी बनाई और ना केस रद्द किए हैं और ना ही शहीद परिवारों को मुआवजा मिला है। उसके संदर्भ में कि सरकार ने जो विश्वासघात देश की जनता के साथ किया है उसके विरोध में आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, इससे घटिया सरकार मैंने अपने लाइफ में हमने नहीं देखी थी, बहुत घटिया सरकार आई, उसके विरोध में आज वहां से जुलूस निकाल कर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है और अभी DC साहब को ज्ञापन सौंपांगे, कलेक्टर को भेज देते हैं, SDM साहब को भेज देते हैं, SDM साहब का तो हमने गणे ज्ञापन दे लिया, आज DC साहब को देकर जाएंगे।